मेरा नाम है विनय मुरलीधर गुप्ता। मैं अभी नाइन्थ में जाऊंगा तो थोड़ा डर लग रहा है नाइन्थ में, क्योंकि अभी पोर्शन चेंज हो गया मेरा। हाँ, मैं लल्लूभाई कंपाउंड में रहता हूँ, मैं बिल्डिंग नंबर 17। वो है नहीं खेल का मैदान, और एक गणेश मैदान है, उसमें थोड़ा कचरा है, गाड़ी पार्क करते हैं कभी कभार, उसमें फंक्शन रहते हैं, उसमें हम लोग खेल नहीं सकते। और जो कॉलोनी के जो गार्डन रहते हैं ना, उसमें हम लोग कभी कभार जाते हैं, उसमें थोड़ा मजा आता है खेलने में। वहाँ पे वॉचमैन रहते हैं, थोड़ा खेलते हैं वहाँ पे हम लोग टेनिस। लाइट हम लोग की कभी भी जाती है और एक दो घंटे के बाद आ जाती है। हम लोग की जो सोसाइटी है वो खतरा है, खतरा भी हम लोग को होते, क्योंकि एक बार 2011 और ना 12 में है ना, हम लोग की बिल्डिंग में टीवी जो था ना वो फूट गया था, टीवी दूसरे माले पे, तभी फायर विकेट आई थी, और तभी हम लोग के घर में है ना 3 दिन लाइट नहीं आई थी। जो सड़क थी पहले की जो सड़क थी वो एकदम अच्छी नहीं थी, अभी न्यू बनी है तो थोड़ी अच्छी है वो। और जो है ना बाकी काम वो यहाँ पे चालू है, और जो यहाँ का सीमेंट मैदान है, सीमेंट मैदान वहाँ पे लड़की लोग की छेड़छाड़ होती है 7 बजे के बाद, सब लोग नशा करते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कचरा है। जो रोड बन रही है वो हुआ है, फिर हम लोग सोसाइटी में टाइल्स मतलब बैठे हैं, अभी कैमरा आ गए है, हम लोग जो सोसाइटी के लोग थे वो थोड़े चेंज हो गए हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म बाल अधिकार संघर्ष संगठन है, और वो 2001 में खुला है। यहाँ पे उसकी बच्चों के जो अधिकार है उसके ऊपर लेके चलती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर लेके चलती है, और बस्तियों के जो ये है प्रॉब्लम्स उनके ऊपर चलती है। जो युवा सेंटर है मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग के प्रकाश दादा अच्छे अच्छे एक्टिविटी कराते हैं, विजय दादा हम लाइब्रेरी में बुक पढ़ाते हैं कभी कभार। जो मेरा घर है वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे मम्मी पापा जाते हैं काम पे, मेरे भाई बहन है, हम लोग सब लोग मिलके खेलते हैं गेम। और थोड़ा सुरक्षित करना है तो पहला सीमेंट मैदान में जो है वो अच्छे से बच्चों के खेलने के लिए जगह बनानी चाहिए, और जो गणेश मैदान है वो अच्छे से मतलब थोड़ा बच्चों के झूले वहाँ पे थोड़े होने चाहिए, थोड़ा क्रिकेट खेलने के लिए मैदान होने चाहिए वहाँ पे। और जो हम लोग के इधर का गार्डन है, एक गार्डन में तो बड़े लोग क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरे गार्डन को लॉक रहता है क्योंकि वहाँ पे बड़े गणपति बप्पा बैठते हैं हम लोग के, तो वो गार्डन में हम लोग को अलाउ नहीं रहता है।